सिद्धू पाजी को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू पाजी कपिल शर्मा शो के लाफ्टर में हो या फिर दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उनकी कमेंट्री हो, हर कोई व्यक्ति उनकी कमेंट्री सुनकर दोस्तों गदगद हो जाता है। लेकिन दोस्तों उनके इस हंसी के पीछे कितना दर्द है दोस्तों, ये वही व्यक्ति जानता है जो उनके आसपास रहता है। उनकी धर्मपत्नी को दोस्तों कैंसर है और कैंसर दोस्तों इतना ज़्यादा था कि डॉक्टरों ने ना ही कर दिया, लेकिन दोस्तों घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक तरीके से उन्होंने अपने कैंसर को मात दे दिया। नवजोत सिद्धु बताते हैं कि संतरे खाकर मेरी धर्मपत्नी ने कैंसर को ठीक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, संतरे खाकर, ये बात दोस्तों बहुत ही साइंस के लिए तो मतलब दिमाग के ऊपर से है, कोई संतरे खाकर कैसे अपने कैंसर को ठीक कर सकता है। आइए दोस्तों आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें नवजोत सिद्धू खुद बता रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेदिक तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी का कैंसर ठीक कर दिया। जैसे हम आयुर्वेदिक तरीकों को मानते नहीं हैं, सिर्फ अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर रहते हैं, और वहीं पर नवजोत सिद्धू जो इतने बड़े एक्टर्स भी हैं और कॉमेंटर भी हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो आइए दोस्तों उनका हम स्टेटमेंट सुनाते हैं कि उनकी पत्नी वो किस तरह से ठीक हुई, सुनिए। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. The doctor said Sidhu saab 5% ki chance hai. Metastasis hai skin mein aa gaya hai. Ek oncologist mere dost ka beta America se aaya, usne kaha sir no chance whatsoever. Maine research ki thi. Uske jo common denominator the, maine apni beti ko kaha beta hum ye diet shuru karenge. You will not believe it. Is press conference ka karan sabse bada ye hai. स्टेज फोर कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kg। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं।